दलित नेता चंद्रशेखर भी अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण में बातचीत हुई है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। जल्दी होगी दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर से मुलाकात। तो चंद्रशेखर रावण जो कि दलितों का अपने आप को नया मसीहा बताते हैं, वो ये दावा करते हैं कि बड़ी संख्या में दलित अब उनके साथ हैं। वो और अखिलेश यादव एक साथ आ सकते हैं। अभिषेक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, दलितों का बड़ा वोट बैंक मायावती को जाता है, लेकिन जब चंद्रशेखर रावण ये दावा करते हैं कि देखिए अब उनकी मजबूत पकड़ हो रही है, ऐसे में अखिलेश के साथ उनका जाना क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में इसका परिणाम होंगे? बिल्कुल, देखिए अपने आप में ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि दलित चेहरा कोई उनके पास उनके गठबंधन में अभी तक नहीं था। तो जब दलित चेहरा नहीं था तो ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरकार दलित चेहरा कहाँ, आपके पास दलित चेहरा नहीं है तो आप उनका वोट बैंक कैसे आपके आपको मिलेगा। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और ये बाकायदा एक जो दलित समाज के एक नेता हैं जिनका अपना एक आधार है वो अब जुड़ रहे हैं, उनकी बातचीत लगभग फाइनल है। हमारे पास इसकी पक्की खबर है, जल्दी उनकी और अखिलेश यादव की मुलाकात भी होगी। जी शुक्रिया अभिषेक आपका। हालांकि चंद्रशेखर रावण बार बार कह रहे थे कि सम्मान जहां मिलेगा वहां जाएंगे, मायावती के पास जाने की भी उन्होंने बात कही थी, और तो इस खबर पर लगातार बने हुए हम। अभिषेक के पास मैं जाऊंगा, उनसे भी समझूंगा कि इसके मायने क्या हैं और इस खबर को लेकर भी क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है उस पर भी हमारी नजर है। लेकिन फिलहाल खबर यह आ रही है कि योगी सरकार में मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया है। सैनी ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। योगी सरकार से इस्तीफा देने वाले सैनी तीसरे मंत्री हैं और इस खबर को हम लगातार सुबह से चला रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष ने इस खबर को लेकर आपको पहले ही जानकारियां दी थी कि ये इस्तीफा दे सकते हैं। और अभिषेक के पास हम चलते हैं। अभिषेक, जो खबर आपने लगातार सुबह से ब्रेक करवाई वो खबर एक बार फिर सही साबित हो रही है और इस्तीफे की चिट्ठी जो है वो सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये इस्तीफे की चिट्ठी हमारे पास है और ये खबर हम लगातार ये हम बता रहे थे कि वो किसी भी टाइम इस्तीफा दे सकते हैं और फाइनली उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और देखिए इस्तीफे की जो चिट्ठी है इसमें भी वही सेम चीज़ लिखी है, दलितों, पिछड़ों, किसानों, शिक्षित बेरोजगारों और छोटे श्रेणी के कर्मचारियों ने मिलकर बीजेपी को बनाया है और उनसे उनके साथ जो उपेक्षा हो रही है उसके कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो जो लैंग्वेज है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लैंग्वेज भी बहुत हद तक एक ही लैंग्वेज है जो लैंग्वेज लगातार सामने आ रही है। और अब जो है एक और इस्तीफा हुआ है, लेकिन अहम बात यहाँ भी है कि यहाँ भी लैंग्वेज वही है, सेम लैंग्वेज यहाँ इस्तेमाल की गई है और लड़ाई जो है वो दलितों पिछड़ों को लेकर है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। और इस पर बीजेपी ने भी ट्वीट करवाया था, इसका असर क्या होगा वो देखने वाला हूँ। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।